हेलो नमस्कार मेरे यूट्यूब साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मकान में हमको काम करवाना है तो उस तरीके से संबंधित कोई एक वीडियो बताएं जिससे जो मकान ठेकेदार होता है वो हमसे धन की उगाही ना कर सके। तो प्यारे मेरे साथियों, यदि हम मकान बनवाते हैं तो मकान आपको पता है कि जीवन में व्यक्ति शुरू से लास्ट तक जो अंतिम पूंजी को इकट्ठे कर करके मकान में लगा देता है। लेकिन हम इसी पूंजी को इकट्ठा करके मकान में काम कराएं तो ठेकेदार को यदि हम काम देते हैं तो वो हमसे बातचीत करता कहता है कि मैंने ये बात नहीं की थी, और इसी तरीके से तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे धन की उगाही करता रहता है और कहता है कि मैंने ये बात नहीं की थी, ये बात नहीं हुई थी मेरी, इस तरीके से बात हुई थी। वो अपनी अपनी चालाकी चल के उसको मकान मालिक होता है उसको चूतिया बनाता रहता है और उससे धन की उगाही करता रहता है। तो आइए इसी के विषय में हम एक वीडियो लेकर आए हैं, यह है मकान में टाइल्स लगवाई कार्य लेबर सहित कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से हमको काम करवाना है और किस तरीके से हमको लिखापढ़ी करके दोनों के बीच पक्ष में रखना है। तो देखते हैं, यह है इकरारनामा आय दिनांक 16/9/2024 को, मतलब जिस दिन अपन इकरारनामा की बात कर रहे हैं उस दिन की तारीख डालेंगे और को यहाँ जगह का नाम लिखेंगे। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे जगह का नाम लिखेंगे जहाँ पे हम अपना मकान में काम करवा रहे हैं, जहाँ पर हमारा मकान बना हुआ है। गांव का नाम है तो गांव में बन रहा है तो गांव में लिख सकते हैं, बाजार में किसी मार्केट में या किसी मोहल्ले में बन रहा है तो वहाँ पे अपन अपना उसका पता लिख सकते हैं, लिखेंगे। तहसील, जिला और राज्य में निम्न पक्षकार के मध्य निष्पादित किया जाता है। श्री प्रथम पक्षकार होता है ठेकेदार, तो ठेकेदार का नाम लिखवाएंगे इधर, ठेकेदार का नाम लिखेंगे इधर, पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी, ग्राम, तहसील, थाना और जिला, इस तरीके से अपन डिटेल भरेंगे। उसके बाद दूसरा काम है द्वितीय पक्षकार में लिखेंगे जो मकान मालिक का नाम, उसके पिताजी का नाम और उसके बाद उसकी उम्र, पता, इस तरीके से लिख के इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हम लिखवाएंगे कि यह है कि द्वितीय पक्षकार अपने मकान में टाइल्स लगवा रहा है, जो यहाँ पे पता है, जैसे यहाँ पे एक पता दिया है तो इसको छोड़ के मैं स्थित है चूँकि प्रथम पक्ष का ठेकेदार होकर मकान में टाइल्स लगवाई निर्माण कार्य का अनुभवी व्यक्ति है, जिससे कि प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार को उपरोक्त अनुसार मकान में टाइल्स लगवाई कार्य करना तय किया है। जिस कार्य को ठेके पर लिया गया, जिसकी दर यहाँ पे अपन जो बात हुई है उससे 9 रुपये फुट या 10 रुपये फुट या 12 रुपये फुट, तो 9 रुपये फुट प्रति वर्ग के अनुसार लिया गया है। मकान में टाइल्स लगाने का कार्य द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, मतलब मकान मालिक के द्वारा बता दिया गया है कि इतना इतना काम होना है, जिसी के अनुसार प्रथम पक्षकार द्वारा कार्य किया जाएगा, जिसकी शर्तें शरायतें निम्न अनुसार पक्षकारों के मध्य तय हुई है। तो इसकी शर्तें क्या क्या शर्तें हैं, उसे शर्तें रखी हैं कि मकान में टाइल लगाते समय टाइल एक दूसरे के समतल होना चाहिए। यदि अपन टाइल लगवा रहे हैं उसको पैसे दे रहे हैं तो देख लेना चाहिए। मकान मालिक अक्सर लापरवाही करते हैं कि वो काम कर रहा चलो कर ले दो, लेकिन वो देखते नहीं है, तो उसको देखना चाहिए कैसी है, ये समतल लगे एक साइड पर लगी है, यदि ऊंची नीची तो नहीं है, और ऊंची नीची लगती है तो अपन पैसे दे रहे हैं भाई, उससे बोलो उसको तुरंत सही करेगा वो। नंबर दो, दीवार पर टाइल 4 इंची में लगाते हुए 1 या 2 फीट ऊंची लगवाई कार्य होना है, जिसकी दर 9 रुपये प्रति वर्ग हिसाब से तय हुई है। नंबर 3, ठेकेदार स्वयं तथा अनुभवी कारीगरों के द्वारा मकान में टाइल्स लगाने का कार्य कर देगा। ठेकेदार है जिसको ठेका दिया हुआ है वो अच्छे तरीके से स्वयं और अनुभवी कारीगरों से, ऐसा नहीं है मतलब वैसे भी कारीगर पकड़ लाए, यदि आपको कोई मिस्टेक दे दी उसको तुरंत बोलो। नंबर 4, कमरों में टाइल्स धार के साथ लगानी होगी, पानी डालने पर ऊंचे से नीचे की ओर बहना चाहिए। कमरे में टाइल लगाए हैं तो उसको बढ़िया अच्छे तरीके से वो लगाएंगे, यदि आपको कोई दिखता है कि मतलब सही लगे तो उससे बोलो। किचन में ग्रेनाइट की स्लिप डलेगी, वह किचन की दीवार पर टाइल्स लगेंगी, जिसकी दर 9 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से होगी। जीना रेडीमेड टाइल्स का हुआ, जिसमें सभी सीढ़ियों पर स्कार्टिंग लगाकर तैयार करनी होगी, जिसकी कीमत जो बात हुई है कीमत 2800 रुपये, 3000 या 5000 रुपये, इस तरीके से। तसला फावड़े की व्यवस्था जरूरत के अनुसार मकान मालिक की होगी, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण बात और जरूर लिखनी है, क्योंकि अक्सर ठेकेदार क्या करते हैं, अपन ने उनको काम दे दिया, वो डाले रहते पेंडिंग में, एक दिन नहीं आए, दो दिन नहीं आए, फिर वो आते नहीं है, तो हमको लिखवाना चाहिए मकान में टाइल्स लगवाई कार्य को ठेकेदार द्वारा आज दिनांक मान के चलो कि अपनी 16 तारीख है, 16 तारीख नवा महीना है,
से कितने दिन में काम करेगा, वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा है 16/9/2024 से 26/9/2024 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। और सबसे बाद में अपन नीचे लिखेंगे, उपरोक्त इकरारनामा प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार द्वारा द्वारा दोनों की सहमति से वो सभा में बिना किसी नशे दबाव से दिया गया है जो सही समय रहते जरूरत काम आवे। ये बात आपको जरूर लिखना है। और इस स्थान जहाँ पे आप जगह का नाम, दिनांक और प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार अपने यहाँ पे ठेकेदार साइन करेगा, द्वितीय पक्षकार मकान मालिक साइन करेगा और दो गवाहों की साइन जरूर करवा रहे हैं, जिससे यदि ठेकेदार लापरवाही देता है, काम नहीं करता है, तो अपन उसको इसको लगा सकते हैं और वो अपना काम पूरा करेगा। प्रथम पक्षकार यहाँ पे भी अपन उसके नाम, ठेकेदार का नाम लिखवाएंगे, दर्ज नाम करवाएंगे यहाँ पे, उसका साइन करवाओ, ठीक है, और यहाँ पे भी साइन करवाओ। इस तरीके से अपन इसको एक कॉपी उसको दे दो ठेकेदार को, एक कॉपी अपने पास रखो।